सर ये हमारी बिल्डिंग जो हम MIG फ्लैट देखने वाले हैं, तो बेसिकली एंटर कर रहे हैं मेन बिल्डिंग में जहाँ पे सारे फ्लैट्स बने हुए हैं। Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire. यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पीछे की पूरी पार्किंग है, और इतने ही नहीं है भाई, इस तरफ भी है। यहाँ पे आराम से टू व्हीलर पार्किंग आपको मिल जाएगी, और फर्स्ट फ्लोर का फ्लैट है यहाँ पे आप देख सकते हो, तो पार्किंग भी देख सकते हो, काफी अच्छा स्पेस मिल रहा है यहाँ पार्किंग में। ये आपका मेन डोर है, काफी बड़ा डोर है, जो फर्स्ट फ्लोर पे हमारा बना हुआ है। तो भाई 2 BHK हमारा फ्लैट जो बना हुआ है, तो भाई काफी सुंदर फ्लैट बना हुआ है और बहुत ही कम रेट पर है, एज एक्सपेक्टेड जो होता है 2 BHK के हिसाब से, उसके हिसाब से काफी कम रेट है। तो रेट तो हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट सर के पास जाके, तो पहले आप फ्लैट देखते हैं। तो ये जो सामने फ्लैट देख रहे हो, ये आपका UFG 1 यानी कि अपर ग्राउंड फ्लोर 1 है। तो भाई ये हमारा 2 BHK फ्लैट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप डोर देख लो, काफी अच्छा डोर इसका बना हुआ है, वुडन डोर है भाई, जल्दी खराब नहीं होने वाला। और इसके ऊपर एक फिल्म चढ़ी हुई, जिससे आप उतार दोगे तो बिल्कुल नए जैसा हो जाएगा, और काफी मजबूत डोर है। डोर की साइड में आप देखोगे, वह हम एंटर करेंगे, ये हमारा हॉल है पूरा का पूरा। हॉल में आपको ओपन किचन मिलेगी, वो रूम 1 है, ये रूम 2 है, ये बाथरूम है, और उस रूम के साथ अटैच बाथरूम है जो भी आपको मैं दिखाने है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हॉल की बात कर ले, तो यहाँ आपकी एक बेल लगी हुई है, यहाँ आपका MCV बॉक्स है, यहाँ पे सारे मतलब ये MCV लगे हुए हैं, ये आपका स्विच बोर्ड है हॉल की लाइट्स का, फैन का, और एक एक्स्ट्रा एरिया है यहाँ पे अगर आप कुछ लगाना चाहो। तो यहाँ भी फॉल सीलिंग का काम हो रखा है, काफी अच्छी फॉल सीलिंग है। तो और भाई यहाँ पे आपको एक यहाँ पे झूमर टाइप लगा रखा है, मॉडर्न लुक दिया है इसको काफी ज्यादा। यहाँ 2 फैन लगे हुए हैं, सामने आपका बाथरूम है, बाथरूम को बाद में दिखाएंगे, इधर किचन है आपको, इसको भी बाद में दिखाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख लो कि 3 वॉल्स है यहाँ पे एक कलर की हॉल की, देन आप देखोगे ये वॉल डिफरेंट कलर में पेंट कर रखी है, काफी इसका डिजाइन है यहाँ पे काफी अच्छा बना रखा है, और बहुत ही अच्छा पैटर्न आप देख सकते हो इसके अंदर, और ये काफी टाइम चलने वाला है। यहाँ आपको एक LED पैटर्न देखने को मिल जाएगी। देन हम बात करते हैं हम किचन की, तो किचन आप देख लो पूरा मॉड्यूलर किचन है, यहाँ पे आपको चिमनी, RO और यहाँ पे सारी आपको फिटिंग्स मिलेगी। ये आप देख सकते हो काफी अच्छा रेड एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन दे रखा है, बीच में आपको ब्लैक कलर का पूरे में पत्थर लगा रखा है यहाँ पे, तो ब्लैक कलर का पत्थर लगा रखा है। तो भाई ये आपका बढ़िया फिनिश, एक बहुत बढ़िया लुक दे रहा है। सामने आपके टाइल्स लगे हुए हैं, 2 आप बोर्ड स्विच बोर्ड देख सकते हो अगर आपको कुछ वहाँ पे इक्विपमेंट चलाना है वो अलग। ये चिमनी के लिए दे रखा है, चिमनी आपके फिटेड है यहाँ पे, और यहाँ आप देख सकते हैं ये आपका कैबिनेट पूरा बना रखा है, काफी अच्छे बढ़िया क्वालिटी के वुडन वर्क है भाई यहाँ पे, जल्दी खराब नहीं होने वाली चीज है, और काफी बढ़िया यार, काफी सारा सामान आप इसके अंदर रख सकते हो, और जगह कम नहीं पड़ने वाली है, आपकी 6 जनों की फैमिली आराम से, बहुत ही आराम से आगे रह सकती है यहाँ पे। 2 BHK के हिसाब में भाई बहुत बढ़िया बढ़िया बड़ा हॉल है इसका, काफी बड़े रूम्स है इसके, यहाँ देख सकते हो नीचे रेड कलर में, और इधर आप ड्रॉर्स देख सकते हो, आपको 3 ड्रॉर मिल जाएगी, आराम से आप इसमें कुछ भी रख सकते हो यार, मतलब जगह की कमी नहीं है यार, मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि 2 BHK में मॉडुलर किचन दिया पर जगह नहीं दिया, बट भाई जगह बहुत है यहाँ पे। नीचे भी आप देख सकते हो 3 कैबिनेट है, इधर आपका सिंक लगा है, यहाँ पे टैप फिट होनी बाकी है अभी, क्योंकि भाई कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी, यहाँ आपका RO लगेगा, यहाँ आपकी चिमनी ऑलरेडी फिटेड है, सामने एक लाइट दे रखी है, हमारा फर्स्ट रूम है सेकंड रूम है। तो पहले इस रूम में चलते हैं, तो इस रूम का डोर देख सकते हो, काफी अच्छा डिजाइन इस डोर पे बना हुआ है, और बहुत बढ़िया फिनिश है इसका, ये भी वुडन डोर है, और यहाँ इस वॉल पे देख सकते हो बहुत सुंदर पैटर्न बना रखा है, समथिंग लाइक फ्लावर है इसमें, व्हाइट कलर से पर्पल कलर की वॉल है, और ये लाइट पर्पल है उससे, और काफी अच्छी वॉल्स इसकी भी, यहाँ पे भी आपको छत पे काम बहुत बढ़िया डिजाइन देखने को मिल जाएगा, और ये आपका फैन फिटेड मिलेगा, यहाँ पे लाइट्स मिलेगी आपको लगी हुई, ये रूम का सारा कंट्रोल है, स्विचेस लगे हुए हैं यहाँ पे, और काफी अच्छी क्वालिटी के स्विचेस हैं यहाँ पे, आपको एक एक्स्ट्रा वो दे रखा है सॉकेट, आप अपना चार्जर वार्जर कुछ भी लगा सकते हो, एक्सटेंशन लगा सकते हो, और वहां पे यहाँ पे आपको एक विंडो मिलेगी, काफी बढ़िया विंडो है, आराम से यहाँ से सनलाइट भी आ रही है काफी ज्यादा, और इसे खोल दो यार बहुत अच्छी, इसमें से हवा भी आने वाली है, सामने व्यू भी अच्छा है, ठीक है, और सामने वाले भी आप देख सकते हो काफी लोग रहते हैं आसपास, तो आपको खाली नहीं रखने वाला, और विंडो का जो ग्लास देख रहे हो वो भी फिल्टर्ड ग्लास है, मतलब आपको सनलाइट भी काफी अलग कलर की आएगी यहाँ पे,
और जैसे कि आप देख सकते हो रूम में काफी ज्यादा लाइट, बिना मैंने कोई लाइट ऑन नहीं करी, जिस विंडो से ही काफी ज्यादा लाइट और गर्मी बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। और इसके साथ आप देख सकते हो यहाँ पे एक स्विच दे रखा है, तो भाई ये टॉयलेट की लाइट का है सारा। और यहाँ पे आप टॉयलेट देख सकते हो, तो भाई यहाँ पे भी अभी काम चल रहा है बेसिकली। यहाँ पे भी टैप वैप फिट होनी है, ऊपर यहाँ छत पे भी अभी लाइट्स लगेगी। और छत पे आप देख सकते हो यहाँ पे डिजाइन बना रखा है, यहाँ पे एक विंडो मिलेगी आपको। इसका भी डोर काफी ज्यादा सुंदर डोर बना रखा है। और ये चौखट, तो भाई यहाँ देख सकते हो चौखट काफी मजबूत लगा रखी है पूरी, और बहुत ही अच्छा पेंट है इसके ऊपर। ठीक, तो भाई अब नेक्स्ट रूम में चलते हैं। तो नेक्स्ट रूम में देखते क्या है। तो उससे पहले नीचे देखो, ये जो फ्लोर देख रहे हो भाई, फ्लोर पे भी बहुत अच्छा पैटर्न बना रखा है और काफी सुंदर है। तो भाई यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ हमारा सेकंड रूम आ गया। ठीक है, तो यहाँ सेकंड रूम है हमारा भाई। इसका भी दरवाजा काफी ज्यादा मजबूत है, फिल्म चढ़ी हुई आप उतार के इसे देख सकते हो। इसे उतार दोगे तो काफी बिल्कुल नया जैसा हो जाएगा ये। यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल घर के लुक से अलग ही पेंट कर रखा है, यहाँ आपका ऑरेंज के साथ व्हाइट। इधर आपको कवर्ड दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे आपकी वॉल्स है, ऊपर आप छत पे देख सकते हो काफी अच्छा डिजाइन बना रखा है। यहाँ आपको लाइट के होल्डर मिल जाएगा, और इधर सारे स्विचेज हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के स्विचेज लगा रखे हैं। यहाँ फैन के लिए आपके नोब है, ठीक है। तो फैन आपका है साथ में लगा के दिया हुआ है, यहाँ पे फैन भी है, लाइट भी है। और इधर हम देख सकते हैं यहाँ एक ऑलरेडी LED लगा के दे रखी है, प्लस में वॉल पे बहुत अच्छा पैटर्न है और काफी ब्राइट लग रहा है भाई ये रूम, ठीक है। काफी ज्यादा लाइट यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे भी आपको एक विंडो मिल जाएगी, और ये आपकी बालकनी है बेसिकली। जो हमने विंडो देखी थी वो इसी बालकनी में खुलेगी, और ये हमारा बालकनी का डोर है, ठीक है भाई। और यहाँ पे आप पहले देख लो, यहाँ पे एक कबर्ड मिलेगी, काफी शाइनी डोर है भाई इसका। तो भाई यहाँ पे आप आराम से अपने कोट वोट टांग सकते हो, कपड़े टांग सकते हो, लंबे जो क्लोथ्स होते जैसे कोट होते शेरवानी टाइप होते, वो भी आराम से आ सकती है इसमें। नीचे भी काफी स्पेस है, ऊपर एक और बना रखी है, आपको कोई ऐसा सामान जो आप ज्यादा यूज ना कर सकते हो वो भी रख सकते हो उसमें। रूम हमने देख लिया, दोनों रूम एक हॉल देख चुके हैं, किचन भी देख चुके हैं। तो भाई अब चल के हम सीधा बालकनी देखने वाले हैं। तो अरे देख सकते हो बालकनी का डोर है, काफी अच्छा डोर यहाँ पे बना रखा है। तो ये है हमारी बालकनी जो आ रखी है, मतलब बेसिकली बालकनी यहाँ पे विंडो दे रखी है। तो भाई विंडो बेसिकली उस वाले रूम की है, ठीक है। तो इसे बंद कर दो यहाँ पे, तो काफी स्पेस हमारी बालकनी में हमें मिल जाएगा देखने को। सर हमारी बालकनी जो है काफी ज्यादा स्पेशियस है, आराम से आप चेयर भी डाल सकते हो, अपनी वॉशिंग मशीन यहाँ लगा सकते हो। एक हैवी स्विच आपको यहाँ भी मिल जाएगा, ये आपकी SS की ग्रिल लगी हुई है यहाँ पे, काफी ज्यादा मजबूत है। इसमें भी कांच लगना बाकी है, ठीक है, तो उसका भी काम अभी पूरा हो जाएगा। तो कंस्ट्रक्शन भी थोड़ा बहुत रह रहा है, यहाँ पे आपको थोड़ा स्पेस है, आप गमले वमले लगा सकते हो आराम से। एक और हैवी स्विच आपको यहाँ मिलेगा, ये वाली विंडो आप देख सकते हो, रूम वाली विंडो है। और ये डोर आपको काफी ज्यादा मजबूत डोर है, आराम से खराब नहीं होने वाला, काफी टाइम चलेगा। काफी बड़ी बालकनी आपको मिल रही है यहाँ पे, ऊपर दो लाइट्स आप देख सकते हो आपको मिलेगी। ये जो सामने आप ट्रंक जैसा डिजाइन देख रहे हो, बेसिकली इसके अंदर ड्रेन वाला पाइप है, तो काफी अच्छा इसका आर्टवर्क बना रखा है इसको छुपाने के लिए। यहाँ सामने ही फ्लैट बने हुए आप देख सकते हो, नीचे आपको काफी चौड़ा रोड मिलने वाला है, ठीक है। आराम से आप गाड़ी वाड़ी भी ला के आराम से खड़ी कर सकते हो। तो भाई आपको हर फ्लैट के अंदर IGL की गैस पाइपलाइन फिटेड मिलेगी, यहाँ पे सीवर डले मिलेंगे, ठीक है। मतलब ड्रेनेज की कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे, आपको यहाँ पे पानी की कोई टेंशन नहीं है, समर्थी वाले मीठा पानी आता है, वैसे भी आपको RO लगा के देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो भाई कोई टेंशन नहीं है आपको। तो भाई अब जो भी है
करा जॉब, तो भाई बेसिकली वहाँ पे सर को काम था तो उनसे बातचीत अभी नहीं हुई भाई हमारी, तो डिटेल सारे मैं पूछ के आ चुका हूँ भाई। लोन का तो वही हिसाब है 2 लाख 10 हज़ार सब्सिडी है इस पर, ठीक है। और इसकी जो कोस्ट है वो आपकी 16.5 लाख है, 2 BHK MIG फ्लैट है, 1 लाख आवास योजना की फैसिलिटीज के साथ है। साथ में आपको भाई और भी फैसिलिटीज है, इसमें RO है, चिमनी है, ठीक है, और गीजर है, और साथ में कूलर पार्किंग भी है, और आपको मिलेगा इसमें साथ में आप बाहर भी अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक साथ। और बड़े बड़े रूम से भाई काफ़ी अच्छा मॉडल है, किचन मिलने वाला है इसमें आपको, काफ़ी सारी फैसिलिटीज। तो भाई बेस्ट फ्लैट मुझे लगा 2 BHK MIG का। तो भाई अभी ले इसे अपनी वीडियो को पॉज करके बता के विराम देते हैं भाई, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और किस चीज़ की डिमांड हो तो वो भी बता देना, पूरी कर दी जाएगी। डिमांड ऐसी होता है कोई चीज़ एक्सप्लोर करनी हो कि भाई अपने चैनल का नाम ही मान के एक्सप्लोर हो रहा है, तो बेसिकली भाई अपना काम ही है चीज़ों को एक्सप्लोर करना, ठीक है भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो कैसी लगी बता देना, फ्लैट व्लैट कैसे लग रहे हैं, बढ़िया लग रहा है सब तो भाई बता देना, ठीक है भाई।